गुरु जी नमस्कार, मेरा है और मैं हैदराबाद से हूँ। गुरु जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ, पर मुझे मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक है और मैं जो याद करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उसकी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है और मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, IAS बनने के लिए मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे मैं अपने पढ़ाई में। ओम नमः शिवाय। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुदेव मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं 100% रिजल्ट लेके आ सकूं। तो अगर आपको उत्तीर्ण होना हो और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना हो तो इस मंत्र का जाप आप लगातार रोज सुबह उठकर 5 से 8 बजे के बीच में कर सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी विकार होंगे सारे दूर होकर मन में एकाग्रता आएगी और एक शांति से आपको महसूस होगी। एक भारीपन जो रहता है एग्जाम के टाइम में वो नहीं रहेगा और माँ सरस्वती आपका जो भी कार्य है उसको संपूर्ण करेंगी। मंत्र है ओम वद्वद् सरस्वते नमः। इस मंत्र को 108 बार या फिर 1008 बार, जो भी संभव हो या यथासंभव जितना भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 108 से कम ना हो। जब भी आपको लगे कि एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या फिर आप चाहते हो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल ना हो, तो सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी चाहिए, और अगर मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आते तो मेरा ये मंत्र आपके लिए ही बना हुआ है। ये मंत्र मैंने जिस जिस को दिया उसके लिए इसने 100% काम किया है, और अब तक इसने किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं दिए, जितना उसने सोचा या चाहा उससे कहीं ज़्यादा इसने रिजल्ट दिए हैं। तो ये अति प्राचीन गुप्त मंत्र है जो कि माँ सरस्वती को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर देता है, और आपकी मेहनत भी देखी जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ मंत्र करते रहो और कुछ पढ़ो ही ना, पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके बाद टेस्ट जब देने जाओ उससे जब भी आपको टाइम मिले मंत्र बोलने का, तो 108 बार बोलकर माँ भगवती को प्रणाम कर फिर आप जो है एग्ज़ाम दीजिए। और मेरा यकीन मानिए ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी जो कि आपकी सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सके। तो जब कभी लगे कि आपकी किस्मत ख़राब है या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाते हैं, तो इस मंत्र को आप रोज़ 108 बार जाप करके माँ भगवती के आगे दीपक प्रज्वलित करके आप अपनी मनोकामना कुछ भी कह सकते हैं। और इसका जाप करते हुए मानसिक ध्यान करना है, बस माँ भगवती से मांगते रहिए जो भी आपको चाहिए। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आपकी जितनी भी मुरादें हों शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हों। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर।